अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले तो हमने हमारा जो मिशन है वो हमने मोबाइल बनाना है। मेरा टूट गया था तो हमारी बात हुई है शॉप वाले से, उसके बाद हमने घूमने फिरने जाना है। तो आसिफ भाई कहाँ कहाँ लेके जाएंगे आज हमें? सबसे पहले हम ऑरेंज ट्रेन पर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना स्टेशन जाके उतरना है, ठीक है। स्टेशन जाके हम मीनार पाकिस्तान, शाही किला, बादशाही मस्जिद, इलामा इकबाल के एक दिन में पूरा लाहौर घूम देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑरेंज ट्रेन का जो पुल है ना वो मेट्रो से काफ़ी डिफरेंट है, और ये आप जो देख रहे हैं ना ये स्टेशन है ऑरेंज ट्रेन का। तो आगे क्या बनेगा ऑरेंज ट्रेन में पता नहीं। अल्लाह मेट्रो स्टेशन का सीन कुछ जो है, ये सबसे पहले टिकट लेनी है। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस किया है कि जब ट्रेन गुजर के जाती है ना तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। क्या होती है? दर दर दर। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन जो है ना वो आ चुकी है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस पर बैठने के लिए। ये चेक करें, अभी ये गेट खुलेंगे और हम यहाँ से बैठेंगे इसके अंदर। अच्छा तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ना ट्रेन है और काफ़ी मज़े का सफ़र है, और हम तो पहली दफ़ा बैठ रहे हैं। सुनाओ जुनेद। हाँ, सर्दी लग रही है। यार ऐसी ट्रेनें हमारे इधर भी होनी चाहिए। हमारा छोटा सा सिटी है, वो तो पहला गियर लगाएगी सिटी खत्म हो जाएगा। आसिफ भाई, इसका किराया कितना है? सिर्फ 40 रुपए भाई जान, 40 रुपए ना आप पूरा 25 किलोमीटर लाहौर का जो है ना विजिट करते हैं। विजिट कर सकते हैं, विजिट कर कहीं भी उतर जाए ना, जहीं पे मर्जी उतर जाए, उतर के फिर बैठ जाए। और ये कहाँ से चलती है और कहाँ कहाँ तक जाती है? अली टाउन से चलती है, डेरा गुजरान जो है ना 2 किलोमीटर बॉर्डर के साथ जाके जो है ना रुकती। अच्छा। है हाँ जी। टोटल इसका कितना डिस्टेंस तय करती है? टोटल 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है। बेसिकली जो ट्रेनें होती हैं उनको ऊपर से करंट मिल रहा होता है, लेकिन इसकी दोनों जो पटरियाँ हैं उसके अंदर है ना, नीचे से अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये येलो पाइप के अंदर वायर, येलो पाइप के अंदर ही जो सीन बना हुआ है। जुनेद भाई, ये नीलियों टैंक, नीली टैंकी में क्या चीज है? स्प्रे पानी। यार ये गर्म नहीं हो जाता होगा? तत्ता पानी दी नहीं नहीं बर्फ डाल लेते हैं। आप जब नहाया तो पानी कैसा था? ठंडा था। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये इसका जो उसके ऊपर भी पुल के ऊपर भी चलती है, और अभी ये तो जहाज खड़े और अभी आसिफ भाई जमीन के अंदर जाएगी। हाँ जी, टनल्स भी हैं इसकी। हाँ, जमीन के अंदर से भी गुजरती है, तकरीबन 5-6 किलोमीटर। अच्छा, अभी जा रही है जमीन के अंदर ना अंडरग्राउंड। ऊपर गया है की। केड़ा बाग है? शालीमार बाग। आसिफ भाई शालीमार बाग है? हाँ जी। अच्छा तो फ्रेंड्स, सामने शालीमार बाग है, अभी हमने इधर ही उतरना है और ये सामने व्यू चेक करें, क्या ही कमाल है। इधर थोड़ी देर हम रिलैक्स होंगे जाके, शाम को हमने जाना है मीनारे पाकिस्तान वाली साइड पे। ज़्यादा स्पीड दे रहा है यार जुनेद, झटके लगा रहे हैं, झटके लगवा रहे हैं। ड्राइवर सही नहीं है लग रहा मुझे, लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गया। ये इतने बड़े बड़े खंभे किस लिए लगे हुए हैं?
अच्छा तो फ्रेंड्स, ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। ये रही हमारी ट्रेन और पहली बार बैठ रहे हैं, पहली बार बैठने का तो फिर अपना ही मज़ा है। और उसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे, अभी ट्रेन थोड़ी देर में जाएगी। बाय बाय हमारी ट्रेन आसे भाई। अच्छा तो फ्रेंड्स, स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत है और मैंने कहा यहाँ से ज़रा आपको व्यू दिखाता हूँ। ये चेक करें यार, बड़ा ही कमाल का व्यू है। ये मेट्रो का जो ना वो अपना ऑरेंज ट्रेन के पुल हैं भाई। कह रहे हैं कि एक अच्छी सी तस्वीर बना दो, तो अभी यहाँ पे इनकी बनाएंगे तस्वीर। भाई जान मेरी टिकट ले ली है ना भाई जान? आप खुद ले आओ, आपके 20 रुपए कौन भरे? तो फ्रेंड्स, इस वक्त आए हुए हैं शालीमार बाग और पीछे जो आपने देखा है वो इंट्रेंस है। और अभी जो बाग है ना, ये तो मैदान है, ग्रासी प्लाट है। यहाँ पे मैदान में इंटर होने के लिए मेरे ख्याल में यहाँ से जाना पड़ेगा। ये गेट चेक करें यार, कितना पुराना है, लकड़ी का गेट है, काफ़ी पुराना है यार। क्या सीन है, तो फ्रेंड्स ये जो सामने है ये भी इसका गेट है। पहले आसफ भाई कह रहे हैं इसको खोलते थे, आजकल इसको नहीं खोलते। और इस तरफ ये सामने भी गेट वगैरह ही लग रहा है मुझे। बड़ा चंगी जा गोल की दी वे, गर्मी की शिद्दत है, पानी जिथे भी लेते होता। जुनैद भाई आपको किस चीज़ का डर है ऊपर से? तो उसका अच्छा तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं। और पानी आसिफ भाई फुल होता है इसमें या आजकल कम है या इतना ही होता है? उसका पानी होता है, अभी तो थोड़ा हो गया, काफी ज्यादा होता है यहाँ तक ऊपर पानी। अच्छा होता है। पानी गंदा भी लग रहा है, साफ होता है या ऐसे ही होता है बस कलर? पानी साफ होता ही है, अभी खड़ा हुआ है ना। अच्छा, बंद किया हुआ सिस्टम सारा। अच्छा तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी ज़माने की है, 1947 से पहले की। अच्छा तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आके एक चीज़ नोटिस की है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मार्बल टाइल लगी हुई है, ये उसी ज़माने की है, 1947 से पहले की। ज़्यादा हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हैरान तो ना यार, सारी चीज़ें अपनी असल हालत में मौजूद है अभी भी यहाँ पर। यहाँ पर इस जगह पर जाना है तो ये रास्ता बना हुआ है नीचे जाने के लिए। काफ़ी अमेजिंग है यार, देखने में हैरानी होती है। आसिफ भाई ये थोड़ी डिफरेंट लग रही है, ये टाइल है या कोई ईंट है? ये पत्थर है सर, उसी जमाने का। अच्छा हाँ जी सर, ये बड़ा, ये काफी डिफरेंट लग रहा है यार, ऊपर से जैसे इसकी कुछ तह जो है ना उतर गई हो, इसकी जो लेयर्स है ना काफी खुरदरा भी है। चीज़ अभी शायद अवेलेबिलिटी ना हो इसकी। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त जाना वो शालीमार बाग में हैं। शायद मैंने पहले गलती से लियाकत बाग का नाम ले दिया, मेरे जहन से निकलेगा। लियाकत बाग जाना वो रावलपिंडी में है, जहां बेनज़ीर शहीद हुई थी। अच्छा तो फ्रेंड्स हर चीज़ हैरान कन है। और अगर आप देखें ये जगह काफ़ी हवादार है, और इसकी जो छत है ये हैरान है कि ये किस तरह यहाँ पर ठहरी होगी। यहाँ पर कोई लेंटर वगैरह का तो निज़ाम था नहीं, और टीयर गार्ड रहते हैं वो भी नहीं थे, तो ये किस तरह उन्होंने बनाई होगी। जुनेद और आसिफ भाई हम लोग काफ़ी हैरान हो रहे थे। अच्छा तो फ्रेंड्स वो आसिफ और जुनेद उधर चले गए, तो मैं यहाँ से सीधा नीचे जाने लगा था यार, मैंने गौर ही नहीं किया, काफ़ी ख़तरनाक और ऊँचा। जी आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, मैं इधर से आता हूँ। नीचे जाने के लिए ये रास्ता है। अभी फ्रेंड्स खाएंगे कौन आइसक्रीम, मलिक साहब लेकर आए हैं। लंगर चल रहा है। आसिफ भाई कैसी है? चंगी है समझ लग गई कौन चीज़ है। जी सही जुनेद खान ठंडी है अच्छा तो फ्रेंड्स बैड न्यूज़ ये है कि कैमरे वाला अपना जो मोबाइल वाला बंदा है वो कॉल नहीं उठा रहा। और अभी हम ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के वापस जा रहे हैं, फिर हम शाम को निकलेंगे, मोबाइल वाले के पास भी आएंगे और मीनारे पाकिस्तान की तरफ भी जाएंगे। आसिफ भाई हमारे नसीब में यही जगह है। हाँ,
अच्छा तो फ्रेंड्स उस तरफ सीटें नहीं थी, तो मैंने कहा यार बैठ के सफर करते हैं, खड़े हो के थक जाते हैं यार, मजीद पीछे ना चले। ठीक है वो पीछे खाली है यार। ओ भाई क्यों बैठ गए थे? ऐसे लग रहा जैसे पहाड़ पे चढ़े हो। कैसे पहाड़ पे चढ़े हो भाई जान? मेहरबानी अच्छा तो फ्रेंड्स वापस आ गए हैं। आसिफ भाई अपने उधर घर चले गए थे, हमें उन्होंने कहा कि आप उधर चले जाएं पिज़्ज़ा शॉप पे ना। तो ये रहा हमारा सामने अंग्रेजी खाना, इधर हम थोड़ी देर अभी रेस्ट करेंगे। तो जुनेद ये रोड क्रॉस हो जाएगी आज? जैसे शबाज शरीफ करता है उस तरह करेंगे। काफ़ी बिजी रोड है, इसको क्रॉस करते हैं, लेट्स सी। मौका मिलते ही फ्रेंड्स रोड हमने क्रॉस कर लिया, अब इस रोड को क्रॉस करने की बारी है। जुनेद चलो यार, ये तुम्हारे बाएं हाथ का चला है। अच्छा और क्या भाई, ये वाइट गाड़ी बड़ी तेज आ रही है। बड़े कमाल के बाइक ठहरे हैं, इनकी वीडियो बनाएंगे हम लोग बाद में ना। अच्छा तो फ्रेंड्स हम रूम में वापस आ गए हैं, अभी पानी शानी पी के थोड़ा रिलैक्स होंगे और इसके बाद हमने जाना है आगे। तो ब्लॉग क्योंकि ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, और हमने उधर मीनार पाकिस्तान पे जाना है और बादशाही मस्जिद और सारी चीज़ें। तो आज का ब्लॉग, अभी का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।